रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का बंधन है। इस दिन बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं और प्यार से भाई का दिल जीतती हैं। यह त्योहार शक्ति, प्रेम, रोमांच और संयम का संयोजन है। दुनिया में सभी रिश्तों में भाई बहनों का प्यार निस्वार्थ और पवित्र होता है। भारतीय संस्कृति के पूर्वजों ने इस रिश्ते में पवित्रता के गुण गाए हैं। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो मानव जीवन की महानता का प्रतीक है। महिलाओं को बिना वस्तु समझे उनकी पूजा करने की संस्कृति है। नारीवाद की खोखली भाषा बोलने वाले या पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करने वाले सुधारकों को विनम्रतापूर्वक बताया जाना चाहिए कि भारतीय संस्कृति महिलाओं की पूजा करती है। यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनु ने कहा है कि जहां नारी की पूजा और सम्मान किया जाता है वहां देवताओं का गंध होता है। महिलाओं की एक भारतीय संस्कृति है जो माँ को एक पवित्र दृष्टिकोण से देखने के बजाय पवित्र दृष्टि से देखने का संदेश देती है। रक्षाबंधन त्योहार दृष्टि परिवर्तन का त्योहार है। जैसे ही बहन अपने हाथ पर राखी बांधती है भाई की दृष्टि बदल जाती है। वो उस बहन को नहीं देखता जो विकृत दृष्टि से राखी बांध रही है। वह अपनी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है ताकि उसे समुदाय में सम्मान के साथ पेश आ सके। लेकिन आज उसे अपने भाइयों को समझाया जाना चाहिए जो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे जानवर की तरह मानते हैं। राखी बांधने से पहले बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है। यह न केवल भाई के माथे की पूजा करना है बल्कि उनके विचारों और बुद्धि में विश्वास दिखाना भी है। यह क्रिया जो भाई के माथे पर टीका लगाने पर सामान्य लगती है, असल में दृष्टि परिवर्तन की एक महान प्रक्रिया इसमें शामिल है। यह क्रिया इंगित करती है कि एक पवित्र तृतीय नेत्र बहन त्रिजलोचन को अपने भाई को सामान्य रूप से दुनिया को देखे बिना भावनात्मक रूप से दुनिया को देखने के लिए देती है। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला था और मदन को भस्म कर दिया था। इसी तरह तीसरी आंख के रूप में बहन भाई को बीमारी, वासना आदि का उपभोग करने का निर्देश देती है। बहन न केवल अपने भाई के हाथों पर राखी बांधकर अपनी सुरक्षा चाहती हैं, बल्कि सभी महिला जातियों की सुरक्षा भी वो चाहती हैं। साथ ही ये महसूस करती है कि उसका भाई बाहरी दुश्मनों और आंतरिक कलह से जीत जाएगा और सुरक्षित रहेगा। वेदों में कहा गया है कि इंद्राणी ने इंद्र के हाथों में राखी बांधी थी जो देवासुर के युद्ध में देवताओं के जीत के लिए अपना साहस खो चुकी थी। कुंती ने अपनी सुरक्षा के लिए अभिमन्यु को राखी बांधी थी और रानी कर्मावती ने उसकी सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। इस राखी में सुरक्षा का भाव था। रक्षाबंधन सुरक्षा का एक स्मारक है। राखी बांधना हम पर एक दायित्व है। यह दायित्व है कि लक्ष्य से भटके नहीं। राखी हमें इस लक्ष्य की ओर बढ़ने की याद दिलाती है। राखी बांधते समय बहन भाई को बंधन या लक्ष्य की रक्षा करने का निर्देश देती है। हमने भारतीय संस्कृति के इस महान त्योहार को परिवार तक सीमित कर दिया है जो महिलाओं को बिना विकृत किए उन पर पवित्र नजर रखे इसका महान संदेश देती है। इस तरह के खूबसूरत प्यार और स्नेह का उत्सव केवल परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए। बहन की आंखें शुद्ध होंगी और भाई के प्रति प्रेम पूर्ण होंगी। समाज को महिलाओं को देखने के तरीकों को बदलने की जरूरत है। यदि इस उम्र की बहन दूसरे भाई को राखी बांधती है तो भाई को राखी बांधने की अपेक्षा उसकी शालीनता की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में कहें तो रक्षाबंधन का मतलब है कि आप एक महिला को देखने के तरीके को बदल रहे हैं। रक्षाबंधन का अर्थ है भाई बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना। रक्षाबंधन शुद्ध भाई बहन के प्यार का प्रवाह है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य उपहार है जो यह संदेश देता है कि भाई बहन परस्पर प्रेरणादायक, पौष्टिक और पूरक हैं।